आप घर में भी कर सकते हैं और अभी क्योंकि लॉकडाउन अभी खोला है इन्होंने तो फॉरन जिम ना जाए और वैसे भी फॉरन जिम नहीं खुलेंगे तो थोड़ा जिम जाने से गुरेज करें अभी तो इंशाल्लाह अभी वर्कआउट करेंगे हम तो काफी अच्छा आपको फायदा मिलेगा। तो वैसे पहली एक्सरसाइज थोड़ी हम लोग अलग अलग मूव्स लाए हैं, इंशाल्लाह चार पांच किस्म के वर्कआउट होंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो पहला वर्कआउट डंबल्स वगैरह पड़े हुए ऑब्वियसली वर्कआउट कर रहे थे, अभी हमने आपकी वीडियो शूट कर ली। फर्स्ट जो मेन आप लोगों को सबको पता है कि क्रंचेस जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से सबको पता है कि भाई क्रंचेस नॉर्मल एक्सरसाइज, मगर थोड़ा आज वेरिएशन पे लाएंगे दूसरी एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज ऑब्वियसली क्रंचेस ही करेंगे हम, मैंने बताया क्रंचेस ही करेंगे। तो सबको पता है कि भाई क्रंचेस किस तरह होते हैं, किस तरह होते हैं, आपने ऐसे रख लिया या आप ऐसे, मतलब जैसा आपको सही लगता है, ठीक है, आपने ऐसे कर लिया और थोड़े पाँव, देखिए बिगिनर लेवल जो होगा वो ऑब्वियसली थोड़े पाँव उठा लेगा, वो मसले वाली बात नहीं है, अगर आप थोड़े पाँव उठे तो कोई मसले वाली बात। इस तरह बिल्कुल आपके ये अपर एब्डोमेन पे आपको वो जोर देता है और ये बेहतरीन सा वर्कआउट है। आपके जो क्रंचेस, देखिए सबसे बेहतरीन वर्कआउट होता है आपके एब्स के लिए ना, तो उसको आपने बिल्कुल फॉलो करना है, क्रंचेस लगाने अगर नहीं लगाने आपकी मर्जी, मैं आपको बता रहा हूँ आपको लगाने हैं क्रंचेस, बहुत अच्छी वर्कआउट है। और हर जो बंदा बताएगा आपको क्रंचेस ही बताएगा, या ऊपर लटक के आपको हैंगिंग ऊपर, नाम नहीं आता मुझे कोई खास नाम नहीं पता, हैंगिंग रेज ऊपर उठाने, हैंगिंग लेग रेज बोलते हैं उसको, तो वो एक्सरसाइज करने बोलते हैं। तो वैसे पहले वर्कआउट आपने क्रंचेस करने हैं। देखिए एब्स से बहुत वो, अगर आप रैप्स मारेंगे और बहुत ज़्यादा सेट्स मारेंगे तो थोड़ा एब्डोमेन आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा डेंजर है क्योंकि आपको अपनी तकलीफ तो, देखें तकलीफ तो है इसमें, मगर आप दो सेट 20 रैप्स लगेंगे इनफ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहली एक्सरसाइज हमने ये करनी है 20 बॉल के काम है, यहाँ पे काम है क्योंकि आप कोई बॉल ले सकते हो, आप कोई बॉटल ले सकते हो या कोई डंबल की प्लेट कुछ भी ले सकते हो, आपने सही करना है। आप अब जैसे लेटे हुए ना, अब हमने थोड़ा सा ऊपर हो जाना है ऐसे, ठीक है, अब पाँव मैंने थोड़ा ऊपर कर लिए, थोड़ा बैलेंस आउट होगा मगर आपने करना है, तो आपने ऐसे करके ऐसे। तो भाई इसमें ट्रिक ये है, आप या तो पाँव नीचे रख लें, जमीन पे पाँव निकालें, या थोड़ा पाँव ऊपर रख लें। इसमें आपने बिल्कुल आपके साइड ऑब्लिक्स पे आपका आता है और आपके जो मिडिल एब्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसमें वो फायदा पहुँचाते हैं, बहुत बेहतरीन सा वर्कआउट है ये भी। इसको हम बॉल, अब नाम भी इंशाल्लाह अभी वीडियो में थोड़ा सोचिए नाम देख के दे दूंगा आपको, क्या नाम रखा है मैंने इसका, तो नाम मुझे बेहतर इसका नहीं पता, लेकिन ये बेहतरीन सा वर्कआउट है आपके ये एप्स के लिए, बहुत बेहतरीन वर्कआउट है। अब भाई ये नंबर टू एक्सरसाइज ये हो गई। अब एक और एक्सरसाइज है जो हम लास्ट में करेंगे, प्लैंक, वो बेहतरीन है आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, आपको बिल्कुल बेहतरीन आपको वो देता है, मगर ऑब्लिक्स भी, क्योंकि बहुत से लोग लेवेंडर से निकले हुए होते हैं तो ऑब्लिक्स में करना लाजमी होता है। ऐसे आपने पूरे सीधे रख लें, ठीक है, और आपने एक हाथ से उधर जाना, मतलब उस साइड पे, मतलब आपको अपने घुटने को टच करना है, ये आपके दिमाग में हो तो आपके ऑब्लिक्स पे जोर आएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो भाई इससे आपके लव हैंडल जो होते हैं उस साइड ऑब्लिक्स होते हैं वो कम होते हैं। अभी सबके पेट निकले हुए होंगे, मेरा भी पेट निकल गया, रमजान है तो आप वो खाते रहते हैं, आपकी एक्सरसाइज उस तरह नहीं होती है, आपकी वो रोजे में होते तो उतनी हिम्मत नहीं होती, आपकी उतना वर्कआउट नहीं हो सकता है। ये तीन एक्सरसाइज भी आपको बताइए, दो सेट 20 रैप्स, इससे ऊपर जा तो मत, सेट ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रैप ज्यादा निकालें तो सही रहेगा। ठीक, अब होगा प्लैंक। देखिए आप लोग के लिए वीडियो शूट करनी होती है, फंगा बंद करा हुआ है, फुल पसीने में हो गए, वैसे ये बेहतरीन है प्लैंक, जो आपको मैंने शुरू में बताया, कब से बेहतरीन बोल रहा हूँ, बेहतरीन वर्कआउट है ये, क्योंकि प्लैंक में आपके ओवरऑल बॉडी का जो शेप जो होता है, आपके चेस्ट के नीचे वाला शेप और आपके ओवरऑल एब्डोमेन बेहतरीन हो जाता है। अब बहुत से लोगों को नहीं पता, वो अपने कोई अपना हिप्स ऊपर कर लेते हैं, कोई बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं, तो आपको अपनी दुकान बिल्कुल जगह पर रखनी है, आपने ऐसे रख के ये थोड़ा ऊपर उठा के, ठीक है। किसी को ये फिनोमेना नहीं पता कि भाई जब आप एब्स लगा रहे हो ना तो आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना लाजमी होता है, क्योंकि आप देखें आप चेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, अब आपने इनहेल करा, एक्सहेल करना, ये आपको फिनोमेना याद होना चाहिए। तो इसमें आपने ये करा है और ये आपने सांस निकालना है, ठीक है, आपको सांस बाहर छोड़ना है। इसलिए आप इसमें तो आप सेट्स नहीं लगाएंगे, इसमें आप सेकंड्स ले लें 20 सेकंड का, जिस तरह आपके सेकंड आप शुरू करें, अपने स्टॉप को साथ रखें। इसमें आपने तीन सेट चार सेट लगा ली, कोई मसले वाली बात नहीं है, या आप फिनिशर लगाएंगे तो हैंगिंग लेग रेजेस भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर आप, आपको जो मैंने चार एक्सरसाइज बताई हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे
बिल्कुल फर्क आएगा, मगर आपको थोड़ा कार्ब का रेशो कम करना पड़ेगा इंशाल्लाह, वो वेट लॉस की जब मैं डाइट लाऊंगा फैट लॉस की, तो इंशाल्लाह उसमें वेट लॉस नहीं करना होता, फैट लॉस करें क्योंकि वेट लॉस में आप कमजोर हो जाएंगे, तो फैट लॉस इंशाल्लाह डाइट आएगी तो उसमें इंशाल्लाह अगर आप लोग उस हिसाब से फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह एब्स वगैरह बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर करेगा और देख के कमेंट बता दिया करें क्योंकि वैसे ही इंशाल्लाह ग्रोइंग चैनल है, इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगा अल्लाह के गुण से आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। मेरी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, इस पे आप लोग ट्राई करके देखें वर्कआउट और कमेंट बता दिया करें। सो टेक केयर गाइस, इसमें वो सिद्दीक और नाउ।